बिहार सरकार ने गरीब तबके के लोगों के लिए मुफ्त में राशन दो में तीन महीना के देने की बात कही, लेकिन इस वक्त हम पटना के ये पाटलिपुत्रा में हैं। यहाँ पर आप देखिए मैनपुरा में हैं और यहाँ पर जो स्थिति है, लोग यहाँ पे खड़े हैं। इनकी शिकायत है कि इन्हें अभी तक राशन नहीं मिल पाया। आप लोग यहाँ राशन मांगने आई थी? मांगने तो धक्का मार मार के सब लोग के भगा रहा है, धक्का मार मार के भगा रहा है। हम कार्ड भी है। किस पंचायत के हैं? इसी पंच, हाँ जी। यहाँ पे आप लोग क्या कहा जा रहा है? हम लोग के कहा जो क्या मिल रहा है? राशन पहले मिलता था, कंट्रोल से वो भी बंद हो गया तीन महीना से। आप फोटो कॉपियाँ करा के दे, अभी तक कोई मान्यता नहीं है। हम लोग तो पटना के हैं, कुर्जी बालू पड़ के, लेकिन सबकी शिकायत है कि यहाँ पर इन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग तो मिलवे नहीं किया, पर्चे पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, हम लोग को नहीं मिल रहा है कुछ, न राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर जब न्यूज़ 24 की टीम पहुँची थी यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ थी और कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर उसके बाद लोगों ने यहाँ पे सभी लोगों को भीड़ को हटाने की कोशिश किया, ना तो यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। और लोगों के साथ तौर पर शिकायत है कि यहाँ पर लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं लॉकडाउन में, उन्हें तीन महीने का राशन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।